हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 11th April 2022। जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था, जब भी TCS का रिजल्ट आउट होगा साथ में डिविडेंड का नोटिस, तुरंत मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। जस्ट अभी दोस्तों TCS का क्वार्टर फोर का रिजल्ट एंड डिविडेंड का नोटिस आउट हो चुका है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कैसा कंपनी का रिजल्ट आया, कितना रुपए का डिविडेंड दिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे डिविडेंड का नोटिस के ऊपर चलेंगे, उसके बाद क्वार्टर फोर की रिजल्ट भी देखेंगे। सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, क्वार्टर फोर रिजल्ट एनालाइज है, उसके साथ साथ IT सेक्टर का नंबर वन कंपनी। तो हर एक नंबर, हर एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान पे ऑब्जर्व करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों डिविडेंड का नोटिस। तो कंपनी ने इस बार डिविडेंड डिक्लेयर किया, फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड एंड इंटरम डिविडेंड में दोस्तों फर्क होता है, क्या मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया 22 रुपये पर इक्विटी शेयर, जो कि लास्ट वीडियो में मेरा जो ओपिनियन था कि 15 से 20 रुपये के आसपास डिविडेंड दे सकता था। तो फिलहाल एक पे काफ़ी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया, 22 रुपये पर इक्विटी शेयर। अब बहुत लोगों को लगा होगा कि मैं थंबनेल पे लिखा हूँ कि 2200%, तो यहाँ पे दिया 22 रुपये का। तो स्पेशली बिगिनर्स को नहीं मालूम कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। TCS का फेस वैल्यू है 1 रुपये, तो 1 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर 22 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, यानी अपने फेस वैल्यू के ऊपर टोटल 2200% का डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर किया। अब इंटरम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड में यही फर्क होता है, इंटरम डिविडेंड में रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट इसी नोटिस में दे देता है, बट फाइनल डिविडेंड के केस में पहले एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसके बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलने के बाद ही ये डिविडेंड दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे पकड़ लीजिए कि 99% चांस है ये डिविडेंड दे देगा, मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल ही जाता है डेफिनेटली। तो फिलहाल यहाँ पे पता चलेगा हमें एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ये डिविडेंड का क्या रिकॉर्ड डेट है, क्या एक्स डेट है। फिलहाल 22 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे आप मिल जाओगे। आप अगर अगले एक महीने के भीतर भी आप बाई करते हो शेयर, डेफिनेटली यहाँ पे आप शेयर होल्डर बन जाए, मतलब एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे डिविडेंड पाने के लिए। तो अब चलिए हम नीचे चल के देखते हैं कंपनी का रिजल्ट इस बार कैसा आया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सारे इन करोड़ के फिगर पे हैं। यहाँ पे तीनों क्वार्टर का रिजल्ट है। सबसे पहले देखिए, ये मार्च 2022 का रिजल्ट यानी क्वार्टर फोर का, ये है लास्ट क्वार्टर December 2021 का रिजल्ट, और यह है लास्ट ईयर का, मतलब क्वार्टर फोर 2021 का, मतलब यहाँ पे मार्च 2021 का रिजल्ट। तो ये तीनों क्वार्टर को हम एक साथ कंपेयर करेंगे। कोई भी कंपनी का सबसे पहले आता है कंपनी का टोटल इनकम, कितना इनकम किया है, मतलब टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है कंपनी, जो कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम का नंबर आया 51,572 करोड़ रुपीज़, 51,572 करोड़ रुपये, जो कि लास्ट क्वार्टर में यानी क्वार्टर थ्री में कंपनी का नंबर था 50,090 करोड़ रुपये। सिंपल सी बात है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत शानदार परफॉर्म करके दिखाया। अगर हम बात करें लास्ट ईयर यानी मार्च 2021 की, कंपनी का टोटल रेवेन्यू आया था 44,636 करोड़ रुपये का। तो अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही शानदार ग्रो किया, अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो लगभग 15% के आसपास हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिला कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। अभी हम बात करेंगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी का एक्सपेंसेस जितना कंपनी अंडर कंट्रोल रखेगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा, जो कि TCS का इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस का नंबर आया 38,208 करोड़ रुपये, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर थ्री में कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस खर्चा हुआ था कितना 36,899 करोड़ रुपये, यानी कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो बेसिकली हमने देखा था बीच में एम्प्लॉयज़ का जो एक्सपेंसेस है वो, उसके ऊपर हमें ज़्यादा देखने को मिला बढ़ोतरी। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें यानी क्वार्टर फोर की, मतलब लास्ट ईयर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, करीबन 32,109 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस का नंबर आया था, जो कि हमने अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा टोटल इनकम बढ़ने के साथ साथ। अभी हम बात करेंगे एट द एंड कि कंपनी नेट प्रॉफिट कितना कमाया। तो देखिए, बेसिकली जो टैक्स वैक्स वगैरह भरने के बाद जो बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट या तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहा जाता है, जो कि इस बार दोस्तों बस 5 डिजिट में बोल सकते हो कि टच करते करते रहेगा, बस यही अफसोस है। बाकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार आया, आप देख सकते हो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है क्वार्टर फोर में यानी मार्च 2022 क्वार्टर में 9,959 करोड़ रुपये, 9,959 करोड़ रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर थ्री में कंपनी का नंबर था 9,806 करोड़ रुपये। एंड लास्ट ईयर की अगर हम बात करें यानी मार्च 2021 पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया था 9,282 करोड़ रुपए, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें करीबन नेट प्रॉफिट के अंदर 7% की हमें
जंप देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा। अर्निंग पर शेयर चलिए थोड़ा सा हम नीचे चल के देखते हैं कि कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर के अंदर कैसा चेंजेस वगैरह आया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अर्निंग पर इक्विटी शेयर यानी अर्निंग शेयर यहाँ पे कंपनी का जो कि इस क्वार्टर में हो चुका है 26.85 का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 26.41 का एंड लास्ट ईयर पे था 24.97 का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ही सेगमेंट में दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छा हमें जम देखने को मिला। और लास्ट ईयर पे हमने देखा था जो फाइनल डिविडेंड दिया था 15 रुपये का, इस बार वही बढ़ के हो गया 22 रुपये, यानी कंपनी अपना डिविडेंड के मामले में भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है। अभी हम बात करेंगे इतना बड़ा कंपनी दोस्तों अलग अलग बहुत सारा वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स है कहाँ से कितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया। तो सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस सेगमेंट पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है करीबन 19,532 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही सेगमेंट पे बीट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें 4,951 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों सेगमेंट पे बीट हो गया। रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस पे भी 8,209 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जहाँ पे सेम टू सेम बीट कर दिया। कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से जहाँ पे 8,475 करोड़ का रेवेन्यू आया है, ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर पे बीट कर दिया। साथ साथ लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर सर्विसेज से भी करीबन 5,416 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर पे बीट कर दिया। एंड अदर सेगमेंट सब कुछ मिला के कंपनी रेवेन्यू के अंदर करीबन 15% के आसपास हमें जंप देखने को मिला यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं TCS का जो कंप्लीट एकदम बोल सकते हो कि एकदम एंड तक, मतलब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर पे कितना टोटल जंप वगैरह आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है इस फाइनेंशियल ईयर पे काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी का जो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इसी क्वार्टर में आया है, साथ साथ अगर हम बात करें क्वार्टर फोर में करीबन जो कि मैं आपको बोल रहा था करीबन 15% के आसपास हमें जंप देखने को मिला टोटल रेवेन्यू के अंदर, साथ साथ पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर मिला के, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसके अंदर करीबन 1,91,754 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि अगर हम बात करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ लगभग 16% के ऊपर हमें जंप देखने को मिला। साथ साथ आप देख सकते हो जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर भी काफ़ी अच्छा जंप आया एंड उसके साथ साथ जो नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट की बात किया जा रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पूरा फाइनेंशियल ईयर मिला पे करीबन 15% के आसपास या 14.8% के आसपास हमें जंप देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस एक क्लास मतलब टॉप क्लास परफॉर्मेंस, जैसा इंडिया का नंबर वन आईटी सेक्टर कंपनी वैसा ही जो आप बोल सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों रिजल्ट ऑलरेडी हमने देख लिया, एनालाइज किया, अभी हम बात करेंगे कि इसके रिजल्ट का इम्पैक्ट कैसे कल हमें देखने को मिलेगा। बट उसके पहले दोस्तों वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा, समझ आया आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। शेयर आज कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, बल्कि फ्लैट में क्लोजिंग दिया करीबन 3700 के आसपास। अगर हम बात करें लास्ट एक महीने पर इसी लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कल शेयर के अंदर गिरावट आएगा या तेज़ी आएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें गिरावट से स्टार्ट हो सकता है या तेजी भी से स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहने का चांस है, क्योंकि एकदम से आप बोल नहीं सकते हो कि मार्केट कैसा इस चीज़ को लेगा। बट आज की डेट पे दोस्तों काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ साथ TCS के शेयर में काफ़ी अच्छा डिलीवरी भी देखने को मिला, जहाँ पे टोटल देखिए 50% के ऊपर हमें डिलीवरी आज की डेट पे हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कि कल कैसा इसका इंपैक्ट रहता है। बट उसके पहले दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।